राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आज अचानक हजारीबाग सब्जी मंडी पहुंचे। उन्होंने सब्जी मंडी में पहुंचे किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि किस प्रकार से किसान सब्जी उगाने से लेकर बाजार में लाने और बाजार की स्थितियों से परेशानी महसूस करते हैं। कृषि मंत्री श्री पत्रलेख ने अलग अलग किसानों से समस्याएं जानकर उनके सब्जी रूपी उपहार को भी स्वीकार किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री श्री पत्रलेख ने कहा कि किसान 20 से 30 किलोमीटर दूरी से अपनी फसल लेकर यहां पहुंचते हैं। उन्हें पूंजी से लेकर सामान बेचने तक में परेशानी होती है। राज्य सरकार किसानों का डेटाबेस तैयार कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार का ऋण माफी योजना को भी अमली जामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 लाख से अधिक किसानों को 50,000 तक के ऋण माफ कर दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में समय लग रहा है, लेकिन यह काम जल्दी प्रारंभ होगा और किसानों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। कर्ज माफी किया, जो लोग अपने घर में सामान उपजा के, सब्जी उपजा के, अपना कृषि उत्पाद उपजा के हटिया तक आते हैं और मेहनत कश लोग होते हैं, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। ऐसा हम सर्कुलर जारी करेंगे, इनका सारा कुछ डाटाबेस बनाएंगे और जो भी हम सब्सिडी पर चीज़ें मुहैया करवाते हैं प्राथमिकता इनको दिया जाएगा, इनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। फसल उत्पाद ज़्यादा होता है तो उसे मुनासिब दाम नहीं मिलता है, मतलब MSP से जुड़ा हुआ मैटर है। दूसरा चीज़ है कि ये लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। एवरी वेलकम, यू've नेवर नोन। Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना। We'll be right back.